तो भैया आगरा में मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, चलो बताती हूँ कैसे। वृंदावन का सफर काफी यादगार रहा, कृष्णा जी के आशीर्वाद से मैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ी। तो मैं जा रही थी आगरा, जो वृंदावन से 3 घंटे की दूरी पर है, और 70 रुपए में शेयरिंग टम टम करके मैं आगरा पहुंच गई। यहाँ मैं गोस्ट स्टॉप में स्टे कर रही थी, जो ताजमहल के पास में ही था। शाम हुई और मैं चली गई सदरा बाजार, क्योंकि मेरे गोस्ट स्टॉप वाले भैया ने कहा कि शाम को सिर्फ यही जगह है जो खुली होती है। तो यहाँ से मैंने झुमके लिए, चाट खाई, सोया चाप खाया और ये अंकल को बहुत सुंदर से ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा। जैसे मैं गोस्ट स्टॉप पहुंची, मुझे उल्टी पे उल्टी होने लगी। भाई साहब, वो स्ट्रीट फूड खा के मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया। तो अगर आप यहाँ पर अकेले आ रहे हो तो ये सब चीज का एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि आप बीमार ना पड़ो।